हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत। आप देख रहे हो मोइजीन और आज हम बात करने वाले हैं द टुमारो वॉर फिल्म के बारे में। ये प्राइम वीडियो पे 2 जुलाई को रिलीज होने वाली फिल्म है जो कि प्राइम ने ही बनाई है पैरामाउंट स्टूडियो के साथ, जो कि हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल और तेलुगु यानी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी 2 जुलाई को। इसके डायरेक्टर है क्रिस मैकी, जो कि एक्चुअल एनिमेटर है एक, जो कि जाने जाते हैं द लीगो बैटमैन मूवी से, उनकी वो पहली फिल्म थी। और लाइव एक्शन में अगर बात की जाए तो उनकी ये पहली फिल्म होने वाली है द टुमारो वॉर। ट्रेलर से बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग फिल्म लग रही है, तो आज आया है इसका ट्रेलर। तो चलिए द टुमारो वॉर का करते हैं पूरा ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो लेट्स बिगिन। तो इस फिल्म में हमें क्रिस प्रैट, जेके सिमन जैसे बड़े स्टार कास्ट नजर आने वाली है, जो कि एक अमेजिंग स्टार कास्ट होगी दोस्तों। इसका जो ट्रेलर है, ये ट्रेलर के स्टार्ट में हमें ये दिखाती है कि डैन नाम का एक बंदा है जिसकी फैमिली है, उसकी एक छोटी बेटी है और उसकी एक वाइफ है। ये हंसी खुशी रह रहे हैं इस सिटी में, जहाँ पर एक्चुअल एक मैच के दरमियान, एक फुटबॉल मैच के दरमियान एक बड़ा सा शटल खुलता है और जो खुलते ही वहाँ पे लोग आ जाते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आज से 30 साल बाद पृथ्वी पे अपने आदमियों का यानी पूरे ह्यूमैनिटी का नामो निशान तक नहीं रहेगा, यानी ये पूरा तबाही से नष्ट होने वाला है। ऐसा वो बताते हैं लोग, वो सोल्जर्स आते हैं और वो ये चीज़ कहते हैं कि भाई तुम लोग हमारी मदद करो ताकि वो वॉर हम जीत पाए, जो कि फ्यूचर की वॉर है, वो वॉर जीत के हम लोग ह्यूमैनिटी को सेव कर पाए, यानी अर्थ को भी साथ साथ बचा पाए। इसलिए ये लोग पूरे जुड़ जाते हैं, सारे लोगों को यहाँ से इकट्ठा करके फ्यूचर वॉर के लिए प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि साइंटिस्ट ने फ्यूचर में एक ऐसी कुछ वेपन्स बनाए हैं कि पास्ट में जाके वो यहाँ के सोल्जर्स लेके जाए, क्योंकि वहाँ के सोल्जर्स तो अभी ज़्यादा बचे नहीं होंगे क्योंकि बहुत बड़ी वॉर दिखाई गई है। तो उस टाइम पीरियड से वो लोग कुछ लोग उठा के लेके आए और इस टाइम पीरियड में यानी फ्यूचर में वो लोग उस लड़ाई को जीत जाए। तो इसी वजह से आते हैं ये लोग यहाँ पे प्रेजेंट टाइमलाइन में, जहाँ पर आके डैन अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद ही उस जंग में कूद पड़ता है, यानी डैन खुद ही जाएगा। और उस लड़ाई में जाने के बाद हर एक घर से कोई ना कोई बंदा तो जा ही रहा है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बोला है, जहाँ पे प्रोटेस्ट भी होते हुए दिख रहे हैं कि लोगों को ये बात पसंद नहीं आई है कि किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा। तो डैन हमारा चले जाता है उसकी फैमिली के अंदर से, जिस वजह से वहाँ पे सरकार ये भी कर रही है कि जो आदमी जाएगा उनके घर वालों की सुरक्षा और जिम्मेदारी पूरी सरकार के हाथों में रहेगी, ऐसा हमें यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। तो भाई लोग, ये गया है अपना डैन अभी फ्यूचर में, जिसके लिए एक डिवाइस लग जाता है उसके हाथ में, जो अभी यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे हो, वो डिवाइस की मदद से वो पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है, यानी फ्यूचर में जाएगा तो फिर पास्ट में भी वो प्रेजेंट टाइमलाइन में आ सकता है। तो ये लोग चले जाते हैं उसी पूरे बूम ट्यूब की मदद से, वो लाइटनिंग की मदद से पूरे उस फ्यूचर में, जहाँ पर फ्यूचर में जाने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि ये एक्चुअल में और कोई नहीं तो ये एलियन का हमला है, जो सिंपल वे में पता चल रहा है कि बहुत बड़े एलियंस ने इस अर्थ पे हमला कर दिया है आज से तकरीबन 30 साल बाद, जहाँ पर हमला होने के बाद सारी सिटीज़ डिस्ट्रॉयज होते जा रही है और बहुत सारे जंग वाले सीन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत अमेजिंग VFX नज़र आ रहा है, जो कि मूवीज़ में दिखता है वही इस पूरे मूवी में भी नज़र आ रहा है हमें, बहुत अमेजिंग से शॉट्स नज़र आ रहे हैं एलियन के साथ लड़ना, उनके साथ बीच की फाइट्स और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी क्रिस प्रैट की हमें नज़र आ रही है। और इसी के बीच ये भी बात हमें पता चल रही है कि डैन जो है यानी क्रिस प्रैट जो है हमारा, उसने ऐसी कुछ चीज़ ढूंढ निकाली है कि वो उसी टाइम पीरियड में कहीं तो जाएगा जिस वजह से ये एलियन का अटैक ही नहीं होगा या फिर एलियन सारे ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी कुछ चीज़ उसने ढूंढी है। तो यहाँ पे अभी डैन अपना कामयाब होगा या नहीं, और ये जो पूरी फ्यूचर वाली वार है जहाँ पे द टुमारो वॉर इसका नाम ही रखा गया है, तो इसको जीत पाएगा या नहीं, और ये लोग अगर जीत जाते हैं तो ह्यूमैनिटी को सेव कर पाएगा या नहीं, यही जानने के लिए अपने को देखनी पड़ेगी द टुमारो वॉर, जो कि रिलीज़ होने वाली है 2 जुलाई को। दोस्तों ट्रेलर से इतनी ही जानकारी मिल रही है जो कि एक अमेजिंग वे में हमें नज़र आ रही है। जब ये मूवी रिलीज़ हो जाएगी तो इसका हम रिव्यू करेंगे, बताऊंगा मैं, थोड़ी डिटेल में जानकारी दूंगा कि भाई कैसी मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं, उसके लिए आपको 2 जुलाई का वेट करना पड़ेगा। 2 जुलाई को नेक्स्ट डे या 2 जुलाई को ही मेरा रिव्यू आ जाएगा, ताकि आपको पता चल जाएगा ये मूवी देखने लायक है या नहीं। अगर आपने ट्रेलर देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। क्रिस प्रैट के अगर फ़ैन हो तो लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें क्रिस प्रैट ने बहुत अच्छे से एक्टिंग की है इस पूरे फिल्म में, जो कि नज़र आ रही है ट्रेलर के दरमियान, तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर सकते हो मूवीजिन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीजिन।